हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यह वीडियो उनके लिए है जो 2024 में 12th का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं हर वर्ष बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करता हूं और उस नोट्स से पूरा का पूरा आ जाता है, समझिए एग्ज़ाम में, ठीक है। ये 100% गारंटी रहता है। मैं आपको बता दूँ कि सब्जेक्ट टिप जितना भी क्वेश्चन होता है लगभग मतलब हर क्वेश्चन ही आ जाता है उससे। हाँ, ऑब्जेक्टिव टू ऑल किसी नोट से नहीं आ गई, आप जान ही रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस वर्ष भी 2024 एग्जामिनेशन के लिए भी मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए 12th इंग्लिश और हिंदी का नोट्स, जो कि बहुत सारे बच्चे व्याकुल थे, सर कब हम लोग को नोट्स मिलेगा, सूचना ही नहीं दिया जा रहा है अभी तक, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेज आ रहे थे मुझे, तो फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन डिटेल बताने वाला हूं कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा और इस पीडीएफ को कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं पीडीएफ में, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगा, क्या पैसे देने होंगे, ये हर एक चीज़ आपको इसी वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। इसीलिए पीडीएफ से रिलेटेड हर एक बातों के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको बाद में कुछ पूछना ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ पीडीएफ पढ़ के बच्चे बिहार टॉपर भी किए हैं। आपको पता है बिहार टॉपर 465 मार्क्स लाया गया है यहीं के पीडीएफ से पढ़ करके, ठीक है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, 95+ हर वर्ष बहुत सारे बच्चे लाते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है। मतलब ये आम बात है लाना एक तरह से मेरे यहाँ के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि 2024 में जो बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं, कब, 2024 में, ठीक है, तो उनके लिए भी मैं लेकर के आया हूँ पीडीएफ। तो इस देखिए इसमें क्या क्या है और कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए नोट्स इंग्लिश भी है और साथ में हिंदी भी है, ठीक है। इंग्लिश का भी मिलेगा और हिंदी का भी मिलेगा। सर उसमें रहेंगे क्या क्या, तो बोथ रहेंगे, दोनों रहेंगे, सब्जेक्टिव जिसको आप सब्जेक्टिव जान ही रहे, साथ में ऑब्जेक्टिव, दोनों ही तरह के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब आपका दिमाग में आएगा कि सर किस तरह का नोट्स है, कैसा नोट्स है, उसको पहले आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले ये है आपका सब्जेक्टिव का नोट्स, ठीक है। इसमें A to Z आपका दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन जितना भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आगे समरी दिया हुआ है, फिर आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जितना पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा आपका सब्जेक्टिव समरी, मतलब ये इम्पोर्टेंट, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद फिर आपका यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद फिर आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फिर आपका जो है मिलान करने वाला दिया है, जो 5 मार्क्स का पूछा जाता है, 10 मार्क्स का, 5-5 का शॉर्ट नोट दिया हुआ है, फिर आपका शॉर्ट नोट के बाद लेटर अप्लीकेशन दिया हुआ है, फिर आपका इसमें ट्रांसलेशन दिया हुआ है, प्रेसिस दिया हुआ है, मतलब ऐसे दिया हुआ है, मतलब A to Z आपको इसमें मिल जाता है। और ये रहा सब्जेक्टिव का नोट्स, इसके बाद ये रहा आपका बैक कवर, ये रहा आपका फ्रंट कवर, ठीक है। आप इसको आराम से निकलवा सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है तो, ठीक है। अब देखिए अब आपको बता दें, अब ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करें तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव का, और इसमें क्या है, पूरा यह बैक कवर है आपका, और इसमें आपको बता दें कि 350 ऑब्जेक्टिव है टोटल, और पीछे में इसमें आंसर दिया हुआ है, एकदम सिर्फ और सिर्फ वैसा ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ऑब्जेक्टिव हम दिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल ही लड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप चिंता ही मत कीजिए कि लड़ेगा कि नहीं, ठीक है, आपको चिंता ही नहीं करना, ठीक है। अब देखिए इसके अतिरिक्त ये हिंदी का भी है, तो हिंदी का भी A to Z आपका दिया हुआ है, ऑल टू ऑल, मतलब शुरू से लेकर के जैसे कड़वक से लेकर के आपका जितना भी चैप्टर है A to Z। तो ये रहा आपका हिंदी का, ये रहा आपका क्या कहते हैं, ये रहा आपका सब्जेक्टिव और ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव, ये तीनों ही, ठीक है। आपको बता दें तीनों का हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं और ऑनलाइन लेना चाहते हैं पीडीएफ, तो ये मतलब सभी चीज़ का आपको पीडीएफ मिल रहा है मात्र 100 रुपये में, सिर्फ आपको पीडीएफ मिलेगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपको पीडीएफ नहीं लेना है, प्रिंट करा करके लेना है, तो आप यहाँ आ करके ले सकते हैं मेरे पास, मेरे संस्थान से, ठीक है। तो इसके लिए आपको देना होंगे 200 रुपीज़, ठीक है। उसमें से क्या है, 100 रुपये आपके इंग्लिश के और 100 रुपये आपके हिंदी के, ठीक है। अब आपको बता दें कि देखिए बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि लाल हरा पीला आपको बुक दे देंगे, ठीक है, और वो बुक खुद नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं किसी एजेंसी से ले लिया, अपना नाम प्रिंट करवा दिया और उस बुक को आपको दे दिए, ठीक है।
वैसे पीडीएफ को पढ़ने से क्या होगा बताइए, उससे आप अच्छा नहीं कर सकते। टीचर जो बनाते हैं ना वो कुछ अलग होता है। देखिए मैं खुद से पीडीएफ को बनाता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है, सारा चीज़ मैं देता हूँ हाथ से लिख करके, तब प्रिंट होता है, देखते हैं ए टू जेड मुझे लिखना पड़ता है, बहुत सारा मेहनत है इसमें, ठीक है। ये नहीं कि मैं प्रिंट करवा देता हूँ कहीं से और आपको अपना नाम प्रिंट करवा के उसमें दे देता हूँ, ऐसा नहीं है मेरे पास, तब जाके बच्चा अच्छा करता है, ठीक है। अगर मैं वैसा करूँगा तो फिर मैं टीचर क्यों हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ उस पीडीएफ को आप इग्नोर कीजिए। उसमें आप मतलब देखिए उस पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं लेकिन उस हिसाब से उसमें नहीं रहता है जिस हिसाब से रहना चाहिए, क्योंकि टीचर अगर खुद बनाएगा तो वो कुछ अलग होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है मैं आपको बता दूँ कि देखिए कोई भी टीचर क्या करता है, मेरा ऑब्जेक्टिव बुक, मेरा सब्जेक्टिव बुक, और उसका है ही नहीं जबकि, ठीक है, बट मेरे पास ऐसा नहीं होता है। आप मेरा पढ़ करके बिहार टॉपर भी कर सकते हैं और किए हैं बच्चे। दूसरी बात क्या है कि आप क्या करते हैं, कभी इंटरनेट पे जाते हैं, यहाँ का पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ते हैं, कभी वह ग्रुप ज्वाइन कर लिया वहाँ का पीडीएफ पढ़ते हैं, इससे क्या होता है कि आपको दिक्कत हो जाती है, फिर आप गलत सलत कुछ भी पढ़ लेते हैं। लेकिन अब बात करें कि इतना सा पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, अगर आप अच्छे कुछ लेना चाहते हैं, मेहनत वाली चीज़ लेना चाहते हैं, तो आपको इतना सा करना ही होगा। अगला बात क्या है, अगर आप 100 रुपये में पीडीएफ खरीद लेते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे ऑफलाइन में तो आपको प्रिंट करा कर 200 रुपया लगेगा, ठीक है, तो उसमें हम आपको ग्रुप में भी ज्वाइन करते हैं, उसमें क्या होगा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको भेजते जाएंगे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको भेजते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन ही मन हुआ कि ये क्वेश्चन आने वाला है, या जो भी चीज़ें आप हमसे मतलब पीडीएफ से रिलेटेड पूछ भी सकते हैं, सर ये क्वेश्चन में हमको डाउट है बता दीजिए थोड़ा, तो मैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो ये मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ये मत सोचिएगा कि पीडीएफ लिए काम ख़त्म, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आप उससे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और अब बताइए कि 100 रुपये बहुत कम है इसके लिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अब दूसरा बात ये भी आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं कि सर अगर हम सिर्फ इंग्लिश का पीडीएफ लें तो कितना लगेगा, तो देखिए 100 रुपया ही लगेगा। सिर्फ इंग्लिश का भी लीजिएगा तो भी 100 रुपया, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लीजिएगा फिर भी 100 रुपया ही लगेगा आपको। पेमेंट कैसे कीजिएगा, तो आपको कॉल नहीं करना है, 8292931012 पर आपको व्हाट्सअप कर देना है, क्योंकि कॉल कीजिएगा फिर प्रॉब्लम हो जाती है, हमेशा बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं तो रिसीव नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, तो आप क्या करिए व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको उसी पर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ज़्यादा अगर ज़रूरत होगी तब आप कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और यह ज़रूर लीजिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आप बहुत अच्छे करेंगे। मेरा शुभकामना आपके साथ है कि आप बिहार टॉपर करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।